नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रुक गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल के अनुमानों से कहीं ज्यादा प्रचंड बहुमत हासिल किया है। खुद को सत्ता की दौड़ में सबसे आगे मान रही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस का यहां पूरी तरह सफाया हो गया है। एक जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी जीत के लिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। मोदी ने कहा कि हम सब दिल्ली का विकास चाहते हैं। दूसरी ओर गांधीवादी समाज से भी अन्ना हजारे ने इसे नरेंद्र मोदी की हार बताया है।